तो चलिए इस वीडियो में हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था पार्ट वन की वीडियो में कि आपको एक डेटा एंट्री फॉर्म मैंने दिखाया था कि कैसे काम करती है, और सिंपल सा उसमें सीरियल नंबर, सीरियल और नेम और सिटी और स्टेट का हमने कॉलम का यूज करके एक बेसिक सा डेटा एंट्री का हमने स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस कि और इस डेटा एंट्री वाले कंसेप्ट को कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है गूगल सीट के हेल्प से। और ये जो चीज़ है आप गूगल सीट में भी कर सकते हो और ऑफलाइन जो माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल है वहाँ भी कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा इस बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं आज बताने वाला क्या हूँ आपको। हम लोग एक बनाएंगे ऑटोमेटेड फॉर्म जिसमें कि नाम, सिटी और स्टेट जो अभी मैंने कॉलम में दी हुई है वो चीज़ अगर हम वहाँ डालते हैं और अपडेट करते हैं या सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो मेरी वैल्यू है यहाँ एक एक करके नीचे असाइन होते जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो कैसे करेंगे वो चीज़, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले से ही एक रेडीमेड यहाँ पे कॉलम है जिसमें हमें डेटा पास करना है। तो दूसरा जो हमारे पास फॉर्म एंट्री है, यहाँ पे फॉर्म एंट्री पे जाते हैं। फॉर्म एंट्री पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पूरा का पूरा पेज हमारा ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद हमारा आ जाएगा नेम, यहाँ पे नेम, और क्या हमारा यहाँ पे हेड है सिटी और स्टेट, तो यहाँ पे दे देंगे सिटी एंड यहाँ आ जाएगा स्टेट। ठीक है, और इस तरह से हमारा एक कॉलम बन गया जिसमें एंट्री हमें चाहिए। फिर यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे इस तरह से आप लॉक कर लीजिए बॉर्डर देके। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे ऐसे एक्सपेंड के ऐसे कर देता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे ऐसे कर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वैल्यू। ठीक है, इसे एक कलर हम दे देते हैं, और ये जो पार्ट है मेरी वैल्यू हो गई जो कि अभी एकदम से इम्प्टी पड़ी हुई है, इसका एक कलर हम दे देते हैं कि खाली है, कुछ है नहीं इसमें वैल्यू में। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारा ये वैल्यू, अब हम इसमें अगर वन करते हैं, यहाँ पे पवन लिखते हैं, यहाँ पे पटना डालते हैं, सिटी में बिहार डालते हैं यहाँ पे अगर हम। ठीक है, और इसके बाद एक सबमिट बटन यहाँ पे दे दें, और जैसे ही हम सबमिट करें तो मेरी वैल्यू जो है यहाँ से इरेज होके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जानी चाहिए। और जैसे जैसे इंट्री हम ये कंटिन्यू करें एक एक वैल्यू अपने आप नीचे की तरफ बढ़ती जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो पहले तो हम लोग इसे जिस तरह से आप फॉर्म बनाना चाहो, यहाँ पे अभी मैं इसे एक नाम दे देता हूँ प्रॉपर, यहाँ पे डेटा को मर्ज करके डेटा एंट्री फॉर्म मॉड्यूल। ठीक है, इसे आप यहाँ पे अलाइन कर दे सेंटर, थोड़ा सा आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसे एक डीप कलर दे दीजिए यहाँ पे, और फॉन्ट को यहाँ पे वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक सा जिसमें कि आप बता रहे हैं कि आप डेटा एंट्री फॉर्म इसमें बता रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक डेटा एंट्री फॉर्म मॉड्यूल, और जिस तरह से डेटा का फ्लो मुझे एंट्री करना है वो ये फ्लो है। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बटन की यहाँ पे। तो बटन कैसे बनाएंगे, सबमिट का बटन, तो यहाँ पे चले जाएं आप इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद ड्राइंग पे चले जाना है। ड्राइंग पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है ड्रॉ का, वो आपको यहाँ से ड्रॉ कर लेना। आप देखो यहाँ पे शेप्स है, शेप्स में जाके आप यहाँ से जो आपको आइकन लगे अच्छा बटन बनाने के वो ले लो आप यहाँ पे। मैं ये आइकन लेता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा आइकन ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसकी कलर आप यहाँ पे ग्रेडियंट और सॉलिड दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव डेटा। ठीक है, कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे, और जाके यहाँ पे फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर लेंगे। ये हमारा एक बटन बन गया सेव डेटा के नाम से, बोल्ड हो गया। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे हम सेव क्लोज कर देंगे, तो इससे क्या होगा आपका जो बटन बना अभी यहाँ पे आपके पास फ्रीली यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो हम जैसे ही सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा जो ऑटोमेटिक एंट्री होके आगे की सीट में चली जाएगी। तो अभी हम काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितने रो हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रो हैं, तो हम लोग यहाँ पे भी 4 रो लेंगे, 1 2 3 और ये हो गया 4।
चार रूल लेंगे और इनको थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है वैल्यूज को, कॉलम की वैल्यूज को, सॉरी जो रो की वैल्यू होती है उसे कॉलम मोड में करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी जो रो की वैल्यू है सीरियल नेम सिटी से कॉलम वाइज कर देगा ये, ठीक है। यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे फिल्टर कंडीशन, फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के बाद जो ये वैल्यू है हमने तो दिया, इसे हम यहाँ से चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर इस वैल्यू के बाद हम यहाँ पे कोमा देंगे और फिर से यही वैल्यू हम चूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये वैल्यू जो है इक्वल टू और लेस देन होती है ब्लैंक के, यहाँ पे हमने एक ब्लैंक दे दिया, ठीक है, और इसे लॉक कर देंगे ये कंडीशन को एंटर कर देंगे। अगर ये वैल्यू जो है अगर ब्लैंक नहीं होती है तो हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जो भी हमने इसमें एंट्री किया। अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ इसकी, ये देखो आप एक पीछे चला गया, मैं यहाँ पे वन करके एंटर करता हूँ तो वैल्यू मेरी आ गई, ठीक है। ऐसे ही हो गया। अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे अगर एंट्री हो जाती है तो इसका भी कलर हम लोग चाहेंगे कि चेंज हो जाए, अगर वैल्यू ना हो तो नॉर्मल कलर, इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा डिजाइन पार्ट है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट आपकी फॉर्म इससे खूबसूरत लगेगी। चलिए यहाँ पे आते हैं और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे के वीडियो में और डीपली हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखो अब F6 से F9 तक की वैल्यू यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। तो एक बार हम इसको ऐसे F6 से F9 नहीं करते, हम इंडिविजुअली सारे सेल को लिंक करेंगे, एक सेल, ठीक है, यहाँ पे इसे इधर कर लेंगे, सेल वन हो गया, कोमा, और यहाँ पे कोमा नहीं होगा, ये हो गया अपना ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, F6 से F9 आपका तीनों सिलेक्ट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये इससे भी काम करेगी। और यहाँ पे अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू है, तो हम इसके कलर को क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रीन हो गई इसकी कलर, ठीक है, और यहाँ पे हम डन कर देंगे। टेक्स्ट की कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, अगर है तो ग्रीन होके वाइट हो जाएगी फिर और बोल्ड हो जाएगी, ठीक है, डन। अब जैसे ही आप देखो इसकी वैल्यू अगर हम इरेज यहाँ पे इम्पटी करते हैं तो कलर वहाँ पे ब्लैंक हो गई जो मैंने पहले कलर दिया हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि अगर डेटा आती है तो ऑटोमेटिक आपके सेल जो है ग्रीन हो जाएगी, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हमें ज़रूरत है इसमें माइक्रो फंक्शन का, जो कि अब हमारे काम को ऑटोमेट करके जैसे ही हम यहाँ पे सेव बटन दबाएंगे तो हमारे डेटा को यहाँ लाके एक एक रो में सामने के सामने वैल्यू को ऐड कर देगा। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे आगे के प्रोसेस को, ये अभी तक हमने सिर्फ डिजाइन पार्ट कंप्लीट किया, आगे के प्रोसेस को ये स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन में जाना है आपको, जाने के बाद यहाँ माइक्रो पे चले जाना है और माइक्रो पे जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्ड माइक्रो का, ठीक है। तो रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड माइक्रो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका माइक्रो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है यूज एब्सोल्यूट रेफरेंसेस, तो ये ऑप्शन रहने देना यहाँ पे और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको इसे बड़ा सा दिख रहा है तो इसे आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद चलिए यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया और यहाँ पे आपने एक वैल्यू को ट्रांसपोज भी कर दिया, तो हमने क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को उठाना है यहाँ से, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने पहले सीट पे जहाँ पे मुझे ये वैल्यू पेस्ट करनी है, और यहाँ पे पहले हम नंबर 2 वाले रो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ही राइट क्लिक करके इंसर्ट वन रो अबव कर देंगे। इससे होगा क्या, एक्टिविटी में दो कंडीशन स्टोर हो गए, एक तो कंडीशन कॉपी का और दूसरा कंडीशन ब्लैंक रो को इंसर्ट करने का। इंसर्ट करने के बाद हम सीरियल वाले नंबर पे आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट वैल्यू कर देंगे। अब हमारे पास माइक्रो में 3 कंडीशन यहाँ पे स्टोर हो गए। ये करने के बाद हम वापस आ जाएंगे फॉर्म एंट्री वाले पेज पे और इन सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करके डिलीट दबा देंगे। ऐसे में क्या होगा, अभी आपके 5 स्टेप रिकॉर्ड हो गए जिसमें कि आपकी डेटा सबमिट होने के बाद ब्लैंक हो गई अगले डेटा के लिए। तो ये मेरा पूरा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया। आपके एक कंडीशन में और भी कुछ माइक्रो में वैल्यू ऐड करनी हो एक्स्ट्रा कंपोनेंट की तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो हम यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो ये मेरे से माइक्रो का एक नाम पूछेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैक्रो ही लिख देता हूँ, ठीक है, मैक्रो A कर देता हूँ।
कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ पे सेव दबा देंगे। सेव दबाने के बाद आप देखो यहाँ पे मैक्रो जो है आपका सेव हो रहा है, ये सेव हो गया हमारा मैक्रो, ठीक है। तो अब हमारा ये जो बटन है इस पे जाएंगे ट्रिपल डॉट पे, और यहाँ असाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैक्रो मैंने लिखा था, मैक्रो ए, एक बार मिला लेंगे यहाँ पे, ओके कर देते हैं। एक बार यहाँ मैं मिला लेता हूँ, सेम नाम है, मैक्रो पे जाना है, और यहाँ देखिए आपने लिखा है मैक्रो ए, ठीक है। अब क्या होगा, अभी पहले आपको एंट्री करनी होगी। चलिए मैं पहला एंट्री करता हूँ 1। जैसे जैसे सेल की एंट्री कंप्लीट होती जाएगी, आपकी सेल जो है ग्रीन कंडीशन के हिसाब से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हिसाब से हाईलाइट होते चलेगी। यहाँ लिखता हूँ रोहन, सिटी लिखता हूँ यहाँ पे झारखंड, सॉरी सिटी हो गया पाकुर, ये हो गया झारखंड, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू आपकी आ गई है, और ये सेव दबा देना है। जैसे ही सेव दबाएंगे तो आपका स्क्रिप्ट जो है रन होना स्टार्ट हो गया, और देखो आपका स्क्रिप्ट रन हुआ, फिनिश हो गया, और डेटा यहाँ पे ब्लैंक हो गई। और आके यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई है रोहन झारखंड। पहले से एक एंट्री थी पवन वाली, तो वो ऑटोमेटिक एक्सपेंड होके नीचे चली गई है। एक एंट्री और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, इसको मैं नंबर 2 बोलूंगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, फिर लिखते हैं मोहन, सिटी कर देते हैं पटना, और हो गया स्टेट बिहार, ठीक है। अब यहाँ पे वापस सबमिट दबाएंगे, सेव बटन, सॉरी। जैसे ही सेव किया मैंने, ये डेटा मेरा ब्लैंक हो गया, और वापस से आते हैं सीट 1 पे। तो आप देखो यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया। तो अभी ये आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, नीचे से सिक्वेंसेस को बना रहा है। तो जो हमने रो अबॉव किया था उसको रो बिलो कर देंगे मैक्रो पे, तो उस तरह से भी काम करेगा आपका। तो अभी देखो मेरा रो 2 पे मोहन की एंट्री यहाँ पे हो गई है, और मेरी जो ये फॉर्म एंट्री वाली पेज है वो ब्लैंक हो चुकी है। तो आप समझ रहे हो कि ये कैसे काम कर रहा है। आपके केस में जब आप सेव बटन दबाओगे सारे प्रोसेस करने के बाद, तो आपसे पहले बार में परमिशन पूछेगा। मैंने ऑलरेडी परमिशन यहाँ पे ग्रांट की हुई है, इसलिए मेरे से परमिशन नहीं पूछ रहा। आपके केस में जैसे ही आप सेव बटन दबाओगे माइक्रो असाइन करने के बाद, तो आपसे गूगल परमिशन मांगता है। आप एक बार उस परमिशन को ऑथराइज कर दीजिए। ऑथराइज करने के बाद जैसे ही आप इस चीज को दोबारा से करते हैं, तो आपका भी डेटा ऑटोमेटिक सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में डेटा एंट्री फॉर्म मॉड्यूल आपको माइक्रो के साथ समझ में आया होगा, और आगे के वीडियोस में हम इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक अगर इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और मैं आपके कमेंट का वहाँ पे जवाब देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।